जूनियर डॉक्टरों ने वृक्षारोपण करके सरकार को दिया नवजीवन संदेश। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का मरीजों पर काफी असर पड़ रहा है, जिसके चलते इलाज के लिए भटक रहे हैं मरीज। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती अनवरत जारी रहेगी हड़ताल। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर बीते 3 दिन से निरंतर हड़ताल पर है, जिसका सीधा असर मरीजों के स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगा है। आज हड़तालरत जूनियर डॉक्टरों के द्वारा अस्पताल परिसर में वृक्षारोपण कर सरकार को नवजीवन का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर 8 दिसंबर को जूनियर डॉक्टरों के द्वारा आंशिक रूप से हड़ताल की गई थी, जहां आश्वासन के बाद चिकित्सक अपने काम पर चले गए थे। सरकार के द्वारा जब उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो पूरे मध्य प्रदेश के जूनियर चिकित्सकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपना लिया। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि अस्पताल में 33% वो काम कर रहे हैं। इधर शासन स्तर पर किसी प्रकार की कोई भर्ती भी नहीं की जा रही है, जबकि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। ऐसे में 33% क्षमता के साथ जूनियर डॉक्टर किस तरह से कार्य कर पाएंगे। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि एक ही देश में सरकार 2 कानून चला रही है। जिस तरह से गुजरात एवं राजस्थान में पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं की जा रही है। प्रस्तुत है जूनियर डॉक्टरों से प्राप्त जानकारी के अंश। पौधारोपण किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है पौधारोपण का? जैसे कि हमारी स्ट्राइक चल रही है, कंटिन्यू 3rd डे आज। हमने सरकार से मांगे रखी थी कि हमको नए डॉक्टर्स चाहिए, तो उसी के सिलसिले में जारी रखने के लिए हमने आज वृक्षारोपण का काम रखा है, जैसे कि नवजीवन को जगाता है। और इसके आगे का आपको ये बताएंगे। पिछले 5 दिनों में जो कोरोना है, कोरोना के केसेस हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डबल हो चुके हैं। तो आगे आने की स्थिति कितनी भयावह है, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। वृक्ष एक तरीके से संकेत होता है नई उम्मीद का। हमने वृक्षारोपण इसलिए किया है ताकि हम एक उम्मीद के साथ कह सकें अपने सरकार को, और हमारी वो ताकि वो हमारी विनती को माने कि हमें जल्द से जल्द या तो नॉन अकेडमिक JR की यहाँ पे पदोस्थिति करें, या फिर हमें काउंसलिंग में वो मदद करें कि वो जल्दी हो। तो यही हमारा उद्देश्य है। अभी तक शासन स्तर से कोई बात बनी आप लोगों की? अभी जैसे बात चल रही है शासन स्तर पर भी, तो आगे बात थोड़ी बड़ी है। हमें उम्मीद है कि आज तक शाम तक थोड़ा कुछ संदेश आएगा कि इस मामले में कुछ बात हो और बात आगे बढ़े। आपको इस स्ट्राइक से लोगों को, जो मरीजों को, उनको भी नुकसान हो रहा है, क्या सरकार इसके लिए कुछ सोच रही है या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, मरीजों को जूनियर डॉक्टर्स नहीं जा रहे, लेकिन जो SR है और कंसल्टेंट हैं वो लोग थोड़ा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम जायज़ है कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो उस कारण से सरकार पे थोड़ा असर पड़ेगा। हम ये चाहते कि हम भी नहीं बहुत दिनों तक इस चीज़ को कंटिन्यू करें, तो जल्द से जल्द हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं, जो कि पूरी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं है, तो उसका पूरा किया जाए। और ताकि ये हम अस्पताल की व्यवस्थाओं को अभी तक जूनियर डॉक्टर ही संभालते आए हैं, ये किसी छिपा नहीं है। हाँ। जब आप लोगों के अलग हो जाने के बाद क्या स्थिति होगी, ये इससे आप लोग, क्या सरकार जानती है इस बात? सरकार इस बात से अवगत है कि स्ट्राइक चल रही है, तो इसीलिए और प्रयास भी कर रही है कि चीज़ें आगे पूरी हो, कोशिश जारी है। तो हमारा भी यही विनती है कि जल्द से जल्द सरकार इस चीज़ को और गंभीरता से ले, ताकि ये हमें और ज़्यादा दिन कंटिन्यू ना रखना पड़े।